बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने अपनी पार्टी व राष्ट्रवाद को एक दूसरे का पर्याय बताया है। उन्होंने कहा है कि अगले 3 वर्षों में नए भारत का निर्माण होगा जिसमें कोई भी ऐसा नहीं छूटेगा जिसके सर पर छत ना हो और जिसके पास रोजगार ना हो। उन्होंने यह भी कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की मौजूदा सरकार की नीतियों की बदौलत अगले 3 दशक से भी पहले स्वतंत्रता दिवस की शताब्दी तक देश एक बार फिर से विश्वगुरु होगा। उनका कहना है कि बीजेपी 2047 तक देश की सत्ता पर काबिज रहेगी और साथ ही बीजेपी कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ देगी। अगर कोई पार्टी है जो लंबे समय तक 1950 से 1977 तक सत्ता में रही है तो वह कांग्रेस है। राम माधव का दावा है कि मोदी इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। राम माधव त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। 7 जून को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद बीजेपी के डीएनए में है और यह बीजेपी की पहचान है, चाहे चुनाव हो या नहीं। बीजेपी का अर्थ ही राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद का अर्थ बीजेपी है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार व बीजेपी की नीतियों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी जी की बीजेपी इस देश का वर्तमान है और भविष्य भी मोदी जी की बीजेपी ही होगी। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।